आज हम लोग जाने वाले हैं इस वाले साइकिल से। ये देख सकते हो यहाँ का पंडाल कुछ इस तरह सजाए हुए हैं और लग रहा है यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह भी होता है। कल कौन सा कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पर? ऑर्केस्ट्रा होने वाला है। ऑर्केस्ट्रा फरस गांव की। ये दुर्गा पंडाल में कुछ इस तरह से यहाँ का जो ना गरबा डांस होता है वहाँ का सीन है। हेलो गाइस, फिर से एक न्यूडो में आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं गाइस बहीगांव और परसगांव का दुर्गा पंडाल। तो गाइस वहां पर किस तरह से दुर्गा पंडाल सजाए रहते हैं और वहां पर कितनी बड़ी बड़ी जो ना माता जी का मूर्ति स्थापित किए रहते हैं वो आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते भी करते ना। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैं निकलने वाला हूँ घर से और गाइस ये देखो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं इस वाले साइकिल से। वैसे तो हमारे पास दो साइकिल है और इसका तो मरम्मत होता नहीं, वैसे धूल में पड़ा हुआ है। और ये वाला साइकिल से भी हम लोग निकलने वाले हैं सीधा बहीगांव और परसगांव के लिए। तो देखते हैं क्या कुछ होता है आज का सीन, आगे आप लोगों को पता चलेगा। तो गाइस आज हमारे घर में बाइक नहीं है क्योंकि बाइक को जो ना पापा ले गए हैं तो अभी तक नहीं आए हैं, तो इसलिए आज मुझे इस वाले साइकिल से जाना पड़ रहा है। तो अभी चलते हैं फटाफट, इसको निकालते हैं भाई साइकिल, यही वाला साइकिल से आज हम लोग जाने वाले हैं। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से सीधा भाई साहब अपन लोग बहीगांव और परसगांव के लिए। तो आज मौसम काफ़ी ज़्यादा खुला नहीं है क्योंकि गाइस अभी ये देख सकते हो पूरा बादल बादल कर चुका है, लेकिन ज़्यादा धूप नहीं है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप रहता है तो मज़ा नहीं आता, वैसे बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना होता है। तो अभी चलते हैं सीधा हम लोग निकलते हैं बहीगांव और परसगांव के लिए और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का और दर्शन भी करवाएंगे साथ में। गाइस हम लोग अभी बहीगांव पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हो यहाँ का पंडाल कुछ इस तरह सजाए हुए हैं। तो चलो आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। और इतना तो गाइस यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर पंडाल को सजाए हुए हैं। तो चलो आप लोगों को सीधा आगे ले चलते हैं जहाँ पर अभी माता जी का जो स्थापना किए हैं। तो गाइस आइट साइड देखो पूरा लाइट व्यू वगैरह लगा चुके हैं, नाइट में अलग ही व्यू मिलता है भाई। तो आप लोगों को जल्द जल्द लेके चलते हैं और दर्शन करवाते हैं माता जी का। तो भाई साहब नाइट में अलग ही व्यू मिलता होगा, ये देखो पूरा लाइट लगा हुआ है जहाँ तक माता जी का मूर्ति स्थापना किया वहाँ तक पूरा लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी गरबा होता है नाइट को, ये देख सकते हो हर एक जगह जहाँ भी पंडाल लगा हुआ है ना गाइस वहाँ पर जो ना गरबा डांस होता ही होता है। ये देख सकते हो इधर भी है और लग रहा है यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह भी होता है। देखते हैं यहाँ पर समिति का कौन सा नाम है, आप लोगों को दिखा दें, सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति बहीगांव। भाई साहब मस्त डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ का पंडाल को, कलश यात्रा जो ना किए होंगे पूरा रखे हुए हैं। तो ये है यहाँ का माता जी का मूर्ति, आप लोगों को दर्शन करवाते हैं अभी। और ये देखो यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह भी होता होगा भैया, यहाँ पर कार्यक्रम भी होता होगा ना? रात को ही हुआ है। रात को हुआ है तो आज रात को भी है क्या? कल है ना। पुजारी कौन है, आप हो भैया? और ये भैया जी पुजारी, भैया आपका नाम? कैलाश नेताम। और भैया आज हमारी ड्यूटी है, और आज इनकी ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी रहता है ना? अलग अलग चेंज करते हैं। अच्छा तो ठीक है, तो कल कौन सा कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पर? ऑर्केस्ट्रा होने वाला है। ऑर्केस्ट्रा या आपका जगरात्र जगदलपुर से? ठीक है, सार्वजनिक दुर्गा समिति का ये कोषाध्यक्ष है भैया, आपका नाम? सुनील पाठक। सर्जन होगा उस दिन, कैसा रहेगा यहाँ का माता का जाके साथ विसर्जन होता है? अच्छा हाँ, तो गाइस कुछ इस तरह से यहाँ का माता जी का मूर्ति है इतना बड़ा। फाइनल गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं परस गांव में और गाइस ये NH-30 के जो बीच में है ना वहाँ पर पूरा लाइट वगैरह सब लगाए हुए हैं। और गाइस यहाँ पर जो ना हॉस्पिटल के जस्ट साइड में यहाँ का पंडाल सजाया हुआ है। और ये देखो गाइस आप पंडाल के जस्ट आगे गरबा डांस करते हैं और ये देखो मस्त सजाए हुए हैं जहाँ पर गरबा डांस होता है वहाँ। ये देखो केसकाल में जैसे सजाए थे वैसे ही, लेकिन केसकाल से काफ़ी अच्छा है। ये देख सकते हो किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आप PNG का जो ना दुर्गा पंडाल दिखाओ ऐसे करके, तो मैं आ गया हूँ अब परस गांव की ये दुर्गा पंडाल में। कुछ इस तरह से यहाँ का जो ना गरबा डांस होता है वहाँ का सीन है। तो ये भाई साहब ये यहाँ का पंडाल कुछ इस तरह से, तो चलो आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। और कुछ बाहर से कुछ इस तरह सीन है इस पंडाल का देख सकते हो, तो चलो आप लोगों को इसका सिनेमैटिक दिखाते हैं उसके बाद।
अब हम आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं और माता जी का दर्शन करवाते हैं और यहाँ पर देखेंगे कितना ज़्यादा बड़ा माता जी का मूर्ति है। तो भाई साहब कुछ इतना बड़ा मूर्ति है यहाँ माता जी का, तो ये देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह से यहाँ का मूर्ति है। तो वैसे यहाँ का कुछ इस तरह से दुर्गा पंडाल है। तो आप लोगों ने देखा कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना। किसी भाई ने मुझे यहाँ कमेंट करके बताया था कि परास गांव का दुर्गा पंडाल दिखाओ ऐसे करके, तो मैं आ गया था यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से भाई यहाँ का पंडाल वगैरह सब। तो बही गांव का भी तो आप लोगों को दिखा दिया। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और मिलते हैं कोई ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।